जिला कैमूर गांव शिरसी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय 15 सालों से चल रही थी। 2016 में उस विद्यालय में 9 और 10 क्लास और सरकार के आदेशानुसार हो गया। इस स्कूल में कुल 694 बच्चे एवं बच्चियां पढ़ते हैं और टीचरों की संख्या 6 है। यह विद्यालय पूर्व में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ 8वां क्लास तक, जबकि यहाँ टीचर मात्र 5 थे और आज हमारा विद्यालय मैट्रिक हो गया है, है ना, मैट्रिक से 10+2 हो गया। तो यहाँ अभी टीचरों की संख्या वही है, 5 है। 5 टीचर 10 क्लास को कैसे संभालेगा? आवश्यकता के अनुसार शिक्षक नहीं है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। बच्चे एकदम सिर्फ जाकर बैठते हैं, 5 मास्टर से छेकने में लग जाते हैं। आंगनबाड़ी के बारे में भी बोल, 2 मास्टर जो है उसको मध्यान्ह भोजन बनाकर खिलाने में परेशान रहते हैं। 3 बच्चे 3 मास्टर जो उसको छेकते हैं, पढ़ाई एकदम चौपट हो गई है। परेशानी यही है कि बच्चों को छेक के रखा जाता है क्लास में, 1-2 क्लास के बच्चों को 1 क्लास में करके रखा जाता है। अब पहले क्लास के बच्चे को पाठ्यक्रम सिखाया जाए या दूसरे क्लास के पाठ्यक्रम को चालू किया जाए, ये परेशानी तो होगी ही। बच्चों को सिर्फ ये भेड़ की तरह जो है छेक के रखा जाता है क्लास में कि बच्चे बाहर ना जाएं, उससे हमारी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पे अशिक्षा है और क्या है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से तो बात हुई थी, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी आए थे, वह नियोजन इकाई के सचिव हैं। उनसे कहा गया कि यहाँ शिक्षक की कमी है, आप यहाँ शिक्षक बढ़ा दीजिए। बोले कि हम उतना शिक्षक नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1-2 शिक्षक हम बढ़ा दें। यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ बेहतर व्यवस्था हो, 40 बच्चों या 45 बच्चों पे 1 टीचर हो, हमारी सोच ये है, तब जाकर पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, नहीं तो इस तरह से तो हमारे बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस विद्यालय में 6 टीचर और आ जाए ताकि बच्चों को नियमानुसार पढ़ाई हो सके। इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि प्रखंड चैनपुर के शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94-31-81-80-60 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि वो शिरसी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 6 टीचर बहाल करने में मेरी मदद करें। मैं ममता देवी, राजपुर जिला कैमूर, राज्य बिहार, इंडियाउनहर्ड के लिए।